वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हिंदुओं को शायद हिंदुस्तान में भी जीने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में तो हिंदू जी नहीं सकते, बांग्लादेश में तो हिंदू जी नहीं सकते, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में जाकर हिंदुओं का जीना मुश्किल है। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो स्थिति हो गई है, भारत में जो स्थिति हो गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। संविधान के अनुसार से बात करते हुए, संविधान के अनुसार से काम करते हुए, संविधान के जिस प्रकार से संरक्षण के साथ साथ बात करने पर भी यदि आज हिंदुओं की हत्या की जा रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। कैसे जिए हिंदू? एक मुझे बताइए एक बात, एक किसी और जाति धर्म के व्यक्ति पर यदि हल्की सी खरोच भी आ जाए तो पूरे विश्व में लिंचिंग 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 का भयावह वातावरण बना दिया जाता है। आज हिंदू की हर्षा की जिस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाए गई है, वो क्या वो लिंचिंग नहीं है तो क्या है? और आज आवश्यकता है सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे। और जो लोग इस प्रकार का वातावरण हिंदुस्तान में बना रहे हैं, इस्लामिक जिहाद की तरफ ले जा रहे हैं, गजवाए हिंद की तरफ ले जा रहे हैं, आज उनका पुरजोर तरीके से हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को विरोध करना चाहिए। हरि ओम, राम राम। कर्नाटक में जिस प्रकार से शिमोगा में हर्षा नामक बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्ममता से हत्या कर दी गई है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू में अरुण गोस्वामी जी को जिस प्रकार से बोला कि वो हिंदू होने के नाते उसकी हत्या की गई, कट्टरपंथी मुस्लिमों ने की है, तो सवाल इस बात का है कट्टरपंथी मुस्लिमों ने की है तो आखिर जो उदारवादी अपने को बनते हैं, अनेक जमीयत उलेमा हिंद और तमाम जो मुस्लिम संस्थाएं देश में है, जो यहाँ की अन्न खा रही है, आखिर वो लोग एक बयान भी क्यों नहीं देते इन कट्टरपंथियों के खिलाफ? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुस्लिम संस्थाओं का, इन कट्टरपंथियों का समर्थन है। कहीं ना कहीं देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने पे शरिया कानून लागू करने का ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आखिर क्यों नहीं तत्काल देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो ये दूर नहीं, जब ये तमाम कट्टरपंथी संस्थाएँ और ये कट्टरपंथी मिल करके देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य ही यही है। इसीलिए हिंदुओं में भय पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान से हिंदू भगा दिए गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत का भी यही हाल होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ केंद्र और प्रदेश सरकारों से कि तत्काल संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इस देश को, तभी देश की सुरक्षित रहेगा, तभी सभी सुरक्षित रहेंगे। पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे, अफगानिस्तान से हिंदू भगा दिए गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत का भी यही हाल होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ केंद्र और प्रदेश सरकारों से कि तत्काल संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इस देश को, तभी देश की सुरक्षित रहेगा, तभी सभी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।